नमस्कार, स्वादिष्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पके हुए केले की नई रेसिपी देखेंगे। ये रेसिपी आप अपने बच्चों को टिफिन में या ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो। तो चलिए हम रेसिपी को शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 केले लिए हैं। हमें केले का ऊपर का छिलका निकाल लेना है और केले को हमें गोल आकार में कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें केलों को गोल आकार में कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों केलों को कट कर लिया है। मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम आधा कप शक्कर डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा लिया है। चम्मच से ये 10 चम्मच गेहूं का आटा है। ये जो रेसिपी बनती है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप ज़रूर करके देखना अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो कट किए हुए बनाना थे वो भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। आधा कप दूध मैंने डाल दिया है, आधा कप बाद में डालेंगे, मिक्सी में चला लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में चला लिया था। इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। चलिए, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा जो बैटर है वो निकाल लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ डाल दी मैंने है, यहाँ यहाँ पे आधा छोटा चम्मच खाने का मीठा सोडा डाल दिया है। अब हम ये जो मिश्रण है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा केला कट करके लिया है, कुछ किशमिश लिए है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए है, काजू बादाम के टुकड़े लिए है कट करके। देखिए, मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हमें अच्छी तरह से पैन को लगा लेना है। हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे। हमें बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। जिस तरह से हम पैनकेक तैयार करते हैं उसी तरह से हमें ये पैनकेक तैयार कर लेने हैं। देखिए, मेरा जो बैटर है थोड़ा पतला हो गया है, आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है। देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे पैन में और इसे अच्छी तरह से हम कम कि ये आंच जो पर पकने पैनकेक है देंगे। उन्हें उन्हें पकने के लिए हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी पड़ेगी। देखिए, हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है और हमने जो केले कट करके रखे थे उनको हम इस तरह से ऊपर से रख देंगे पैनकेक के ऊपर। और हमें जो किशमिश थे वो किशमिश भी डाल देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स है ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। देखिए, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं और ऐसे छोटी मोटी भूख के लिए भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर करके देखना ये रेसिपी, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, इस तरह से हमें पका लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इस तरह से हमें धीरे से इसको पलट देना है। दोनों को हम पैनकेक को पलट देंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों पैनकेक को पलट दिया है। अब 2 मिनट हो गए हैं, इनको हम फिर से पलट देंगे। देखिए, आप देख सकते हो कि जो मेरा पहला पैनकेक है वो अच्छे तरह से पक गया है। अब हम दूसरे पैनकेक को भी पलट देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे दो दूसरा पैनकेक है उसको भी पलट दिया है और ये दो दोनों पैनकेक है इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, हमारे जो दोनों पैनकेक है वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा बैटर है उसका हम इसी तरह से पैनकेक तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे पैनकेक निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से हमारे पैनकेक तैयार हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी रेसिपी में।